उत्तर प्रदेश के बरेली थाना बहेड़ी क्षेत्र के नवाबगंज गांव के 20 वर्षीय जसोदा पुत्री स्वर्गीय भजनलाल को उसके सगे भाइयों ने नौकरी और बीमे के लालच में पीटा। घायल अवस्था में पुलिस ने जसोदा को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। दरअसल 20 वर्षीय जसोदा के पिता भजनलाल की मृत्यु वर्ष 2014 में हो गई थी। मृतक आश्रित में उनकी माँ रामश्री देवी को नौकरी मिली थी। 5 माह पहले जसोदा की मां की भी मृत्यु हो गई। जसोदा की मां के नाम से भारतीय जीवन बीमा निगम एक बीमा चल रहा था, जिसमें उनकी मां ने जसोदा को नॉमिनी बनाया था और नौकरी में भी उसने जसोदा को ही नॉमिनी बनाया था। जसोदा के 2 सगे भाई अरविंद और अश्वनी चाहते हैं कि नौकरी उन्हें मिले, बीमा का पैसा भी उन्हीं को मिले। एक भाई नौकरी की मांग कर रहा है तो दूसरा बीमे की। इसी को लेकर घर में विवाद हो गया और जसोदा को उसके भाइयों ने बुरी तरह पीटा। घायल अवस्था में जसोदा को पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। मेरी मम्मी की जॉब है और वो जॉब चाहते हैं और कहते हैं कि मुझे जॉब दे दो, हम तुम्हें वरना मार देंगे। छोटा वाला कहता है मुझे बीमा दे दो वरना हम भी मार देंगे तुम्हें। मम्मी के नाम का है, बोले बीमा हमें दे दो वरना हम तुम्हें मार देंगे। और जान से मार देने की कोशिश की है हमारे साथ। क्या हमला लगा था, किस तरह से हमला लगा, किस किस ने? छोटे बड़े भाई ने मारा मुझे, अरविंद अश्वनी जी। किस तरह हमला लगा था? डंडे से, चाकू से। बोले कि अगर सुबह तक तुमने हमें नहीं दिया तो हम तुम्हें जान से मार देंगे जी सर। कैसे मारा तुम्हें? डंडे से, चाकू। माँ बाप हैं आपके? नहीं, माँ बाप अक्सर हो गए। आपकी माँ क्या करती थी पहले? चतुर्श्रेणी में कर्मचारी थी तहसील में। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।